Hello friends, welcome to EduShine Law, the best platform for studies of law. If you want to attend live session of our classes, then you can contact in the number given in the description. Now, this is the lecture 4 of the series of lecture where we are discussing the entire civil procedure code, right? Now, in this class, we are going to discuss about the transfer of suit. Now, under CPC, section 22, from section 22 to section 25, of CPC deals with the transfer of suit. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि section 22 क्या कहता है, right? Section 22 ये कहता है कि when more than one court when more than one court has jurisdiction more than one court has jurisdiction to try the same matter so the question of transfer of suit will come only when more than one court has jurisdiction on the same matter. Agar sirf ek hi court ke paas jurisdiction hai to transfer ki baat nahi aayegi, theek hai? To jab ye ek se zyada court mein jurisdiction hota hai to a party can file an application, theek hai? Ab dekho, suppose a plaintiff has filed a suit in a court of X. तो प्लेंटिफ ने जब X कोर्ट में ही सूट फाइल किया है तो प्लेंटिफ तो अप्लाई करेगा नहीं कभी ट्रांसफर के लिए. सो हु विल अप्लाई फॉर द ट्रांसफर ऑफ द सूट? इट विल बी ऑलवेज डिफेंडेंट. सो इन दिस केस इट इज द डिफेंडेंट हु इज एप्लीकेंट. इट इज द डिफेंडेंट हु इज एप्लीकेंट फॉर ट्रांसफर ऑफ सूट, ठीक है? अब जब पार्टी अप्लाई करता है कोर्ट में तो कोर्ट दो चीज देखता है. सबसे पहले कोर्ट ये देखता है द लॉस सफर्ड बाय एप्लीकेंट एप्लीकेंट मीन्स डिफेंडेंट suffered by applicant is irreparable or not if the suit is not transferred. अगर सूट को ट्रांसफर नहीं किया जाता है तो जो डिफेंडेंट है, जो एप्लीकेंट है, वो इरिपेयरेबल लॉस सफर करेगा या नहीं. और उसके बाद कोर्ट ये देखेगा, जिसको कहा जाता है बैलेंस ऑफ कॉन्वेनियंस. वैसे बोला जाता है बैलेंस ऑफ कॉन्वेनियंस, लेकिन एक्चुअली है ये बैलेंस ऑफ इनकॉन्वेनियंस. आई विल एक्सप्लेन व्हाई. सी, क्या होता है कि जब डिफेंडेंट एप्लीकेंट सूट फाइल करता है तो सबसे पहले उनको दूसरे पार्टी को एक नोटिस भेजना पड़ता है, ठीक है? और फिर जिस कोर्ट में सूट ये एप्लीकेशन फाइल किया गया है, दोनों पार्टी हाजिर होते हैं एंड देन द कोर्ट हियर्स बोथ द पार्टीज. तो आफ्टर हियरिंग बोथ द पार्टीज, कोर्ट सबसे पहले देखेगा कि जो एप्लीकेंट है वो कितना लॉस सफर करेगा इफ द सूट इज नॉट ट्रांसफर्ड. और उसके बाद कोर्ट देखेगा कि द प्लेंटिफ, हाउ मच प्लेंटिफ विल सफर लॉस इफ द सूट इज ट्रांसफर्ड. और उसके बीच फिर वेटेज लिया जाएगा, जिसका लॉस ज्यादा है उसके फेवर में कोर्ट का डिसीजन जाएगा.
तो अगर ट्रांसफर नहीं किया गया तो डिफेंडेंट जितना लॉस सफर किया वो अगर अगर सूट को ट्रांसफर किया गया तो प्लेंटिव जितना लॉस सफर करेगा उससे ज्यादा है तो सूट को ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर दूसरा है तो वाइस वर्सा है तो दूसरा ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, ठीक है। सो इट इज ऑन दिस बेसिस द डिसीजन ऑफ द कोर्ट टेक्स प्लेस। नाउ दिस इज व्हाट हैज बीन डेल्ट विद अंडर सेक्शन 22 एंड दीज आर द अंडरलाइन प्रिंसिपल ऑफ सेक्शन 22, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू सेक्शन 23, लेट्स कम टू सेक्शन 23, सेक्शन 23, सेक्शन 23 ये कहता है कि सेक्शन 23 इज अ मोर प्रोसीजरल सेक्शन, इट इज मोर प्रोसीजरल सेक्शन। वैसे तो है सबको सारा सेक्शन प्रोसीजरल, बट सेक्शन 22, 24 एंड 25 द रेस्ट थ्री अदर सेक्शन आर मोर सब्सटेंटिव देन सेक्शन 23। सेक्शन 23 इज मोर प्रोसीजरल देन द रेस्ट अदर थ्री। तो सेक्शन 23 क्या कहता है, 23(1) ये कहता है, ये कहता है कि अगर एक सपोज एक सिविल कोर्ट में सूट फाइल किया गया और डिफेंडेंट ने दूसरे सिविल कोर्ट में सूट को ट्रांसफर करने के लिए अप्लाई किया, इफ बोथ दिस कोर्ट आर सबॉर्डिनेट टू सेम अपीलेट कोर्ट, दैट इज सेम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, देन द डिसीजन विल बी टेकन बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड द एप्लीकेशन विल बी फाइल्ड अंडर इन द इन दिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। This is what section 23(1) says. 23(2) ये कहता है, if the court are under different appellate court, that is district court 1 or district court 2, different appellate court, but they are subordinate to same high court, they are subordinate to same high court, then it is this high court which will take the decision and the application will has to be filed in that high court, ठीक है। And 23(3) ये कहता है, 23(3) ये कहता है कि suppose एक civil court से दूसरे civil court में transfer की बात की जा रही है, एक civil court से दूसरे civil court में transfer की बात की जा रही है, but they are also subordinate to different high court, they are also subordinate to different high court. Suppose for example Calcutta high court mein ek suit file kiya gaya ya fir Calcutta high court ke subordinate kisi district court mein ek suit file kiya gaya aur defendant chahta hai ki wo Delhi high court या दिल्ली हाई कोर्ट के सबॉर्डिनेट किसी कोर्ट में उस सूट को ट्रांसफर करे, ठीक है। तो इन सच मैटर व्हाट विल हैपन, हु विल टेक द डिसीजन इज दैट द कोर्ट द हाई कोर्ट इन विच द सूट वाज फाइल्ड, द सूट वाज फाइल्ड एट द फर्स्ट इंस्टेंट। मतलब अगर कैलकाटा हाई कोर्ट या उसके सबॉर्डिनेट किसी कोर्ट में सूट को फाइल किया गया था तो कैलकाटा हाई कोर्ट विल टेक द डिसीजन। तो वो हाई कोर्ट डिसीजन लेगा जिस कोर्ट के, जिस कोर्ट में या उसके सबॉर्डिनेट किसी कोर्ट में सूट को फाइल किया गया था, ठीक है। हाउएवर इफ यू लुक एट सेक्शन 25(1), इफ यू लुक एट सेक्शन 25(1), तो सेक्शन 25(1) क्या कहता है कि अगर अगर सेम सिचुएशन रहा, ये सेम सिचुएशन रहा, देन इट इज द सुप्रीम कोर्ट, इट इज द सुप्रीम कोर्ट इन विच अ मोशन हैज टू बी फाइल्ड, a motion has to be filed supported by an affidavit, a motion has to be filed supported by an affidavit and the supreme court will take the decision, right। ab this section 25(1) has made section 23(3) redundant, theek hai। ye 25(1) ko 1976 mein amend kiya gaya tha,
and after this amendment, the power of the court, Supreme Court, power of the supreme scope of Supreme Court has been enlarged. But at the same time, Section 23(3) has not been amended. But because 25 is more substantive than Section 23, 23 is more procedural, so Section 25 will override. Section 25 will override Section 23. So this is the what Section 23 says. Right. Now let's come to Section 24. Section 24 is about the power of the court. Power of the court in which the application for transfer of suit has been filed. Okay. So court apne jurisdiction is case mein, is matter mein, court apne jurisdiction do condition pe fulfill kar sakta hai. First condition is application by party. जैसे कि हमने देखा डिफेंडेंट विल बी द एप्लीकेंट, एप्लीकेशन बाय द पार्टी, और दूसरा सुओ मोटो, वो खुद से भी कर, खुद के अपने मोशन से भी कर सकता है, खुद से भी कर सकता है. ठीक है, तो जब कोर्ट के पास ये एप्लीकेशन होता है या सुओ मोटो वो ये मोशन अरेंज करता है, तो उसके पास पहले दो ऑप्शन होता है. फर्स्ट ऑप्शन इज दैट इट ट्रांसफर It transferred the matter to a court subordinate to it subordinate to that court, competent to try. ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो यह है कि वो अपने अपने कोई भी एक सबऑर्डिनेट कोर्ट में जो कि कॉम्पिटेंट है उस मैटर को हैंडल करने के लिए, ट्राई करने के लिए, तो उस कोर्ट में उसको ट्रांसफर कर सकता है. दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन. दूसरा ऑप्शन ये है कि द कोर्ट विथड्रॉ द मैटर. कोर्ट विथड्रॉ द मैटर फ्रॉम दैट सबऑर्डिनेट कोर्ट. ठीक है, और विथड्रॉल के बाद आफ्टर विथड्रॉल इट हैज थ्री ऑप्शन. द फर्स्ट ऑप्शन इज दैट इट इटसेल्फ try the matter and dispose it. This is the first option. Second option, transfer to a subordinate court, competent to try. And third option, retransfer the matter. That is, जिस कोर्ट से उसको विदड्रॉ किया गया था उसी कोर्ट में फिर से भेजना, फिर से रिट्रांसफर कर देना. दिस ऑप्शन इज ऑल्सो देयर. सो आफ्टर विदड्रॉल इट हैज दिस थ्री ऑप्शन. ठीक है, नाउ व्हाइल ट्रांसफरिंग द मैटर or trying it itself, the court can give instruction, the appellate court can give instruction in two manner. The first instruction is that keep the try the matter from the beginning, try the matter from beginning.
और दूसरा ऑप्शन ये है कि ट्राई द मैटर फ्रॉम द स्टेज वेयर इट वॉज ट्रांसफर्ड। सो द अपीलेट कोर्ट कैन गिव इंस्ट्रक्शन इन दिस टू मैनर एंड द कोर्ट वेयर द सूट हैज बीन ट्रांसफर्ड विल हैव टू फॉलो एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन बाई द अपीलेट कोर्ट। नाउ दिस कोर्ट वेयर द एप्लीकेशन हैड बीन फाइल्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ सूट कैन कैन ऑल्सो इम्पोज कॉस्ट ऑन द एप्लीकेंट इफ इट थिंक्स कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एप्लीकेशन वॉज टू वेस्ट द टाइम ऑफ द कोर्ट एंड इट वॉज वेक्सेसियस इन नेचर। तो वो कॉस्ट भी इम्पोज कर सकता है एप्लीकेंट के ऊपर, ठीक है। सो दीज आर द पावर ऑफ द कोर्ट व्हिच हैज बीन डेल्ट अंडर डेल्ट इन सेक्शन 24। नाउ इफ यू लुक एट सेक्शन 25(2) to 25(5) द सेम टाइप्स ऑफ पावर हैज बीन कॉन्फर्ड ऑन सुप्रीम कोर्ट एज वेल। तो सेक्शन 25(2) to 25(5) इज अबाउट द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट विथ रिगार्ड टू ट्रांसफर ऑफ सूट, ठीक है। तो वहां पे भी सेम ही पावर इंपोज कॉन्फर किया गया है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसफर ऑफ द सूट अंडर सीपीसी। थैंक यू।